हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आज इस सेशन में हम किस बारे में जानकारी लेंगे। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के बारे में ही हम इस सेशन में भी जानकारी लेंगे। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में बहुत सारी जानकारियाँ ली अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के बारे में, जैसे कि कंपेनियनशिप, उनकी कंपेनियनशिप क्या होती है, सब्स्टिट्यूट कंपेनियन क्या होता है, और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, डेवलपमेंट की बातें हमने की। अब हम थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे उनके लीडरशिप के ऊपर, कि हर स्टेज में जब बच्चा धीरे धीरे ग्रोन अप होने लगता है तो एक किसी भी ग्रुप में एक लीडरशिप और लीडर का होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट उस ग्रुप को बहुत अच्छे से चलाने के लिए या उसको एक एक सही दिशा दिखाने के लिए। तो ये लीडरशिप क्वालिटी एंड लीडर जो है वो इस पीरियड से ही बच्चों के अंदर शुरू होने लग जाता है, जो कि आगे जाके उनको काफ़ी डेवलपमेंट कराता है लीडरशिप क्वालिटी में, कि आगे जब वो और बिगर हों और ग्रोन अप हों, ग्रो ओल्डर हों और उनके स्टेजेस और आगे बढ़ें, तो वो इस क्वालिटी को सही जगह इस्तेमाल करके अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो लीडरशिप क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड हर ग्रुप में, हर स्टेज में एक लीडर का होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट उसके बेटरमेंट के लिए। तो आज इस सेशन में हम इस बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। तो अगर लीडर्स इन अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हम देखते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो करेक्टरिस्टिकली, मतलब उनका करेक्टर जो होता है वो अगर हम देखें तो वो ज़्यादा लार्जर होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एंड स्लाइटली ओल्डर देन द अदर मेंबर्स ऑफ द प्ले ग्रुप। जो उनका पूरा एक ग्रुप है उनसे वो स्लाइटली थोड़े से ज़्यादा कैपेबल होते हैं इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, थोड़े से वो थोड़े एज में भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत वो माइन्यूटली अदर मेंबर्स के कंपैरिजन में बड़े भी होते हैं, जिससे कि वो लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर एज्यूम करते हैं। द फैक्ट दैट दे आर ओल्डर एंड मोर इंटेलिजेंट मेक इट्स पॉसिबल फॉर देम टू ऑफर सजेशंस फॉर प्ले विद द अदर चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ देयर हैबिचुअल रिलायंस अपॉन अडल्ट सजेशंस आर विलिंग टू फॉलो। तो क्योंकि वो अदर मेंबर्स के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा ओल्डर होते हैं और मोर इंटेलिजेंट होते हैं, उनका ये होना इसलिए ज़रूरी होता है एक लीडरशिप के लिए, क्योंकि वो अपने प्ले ग्रुप को या अपने ग्रुप को गेम्स या प्ले के लिए एक सही सजेशन दे पाएँ, सही रास्ता, सही दिशा दिखा पाएँ, और उनके अंदर वो क्वालिटी हो कि अगर वो बोलें तो अदर जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उनकी बातों को माने। और बच्चे, अदर चिल्ड्रन जो हैं वो बातें मानते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर भी ये चीज़ रहती है कि जैसे वो एडल्ट्स को, एडल्ट्स की बातें हमेशा मानते चले आए हैं, रिलायंस करते चले आए हैं, तो और उनके सजेशंस को एक्सेप्ट करते चले आए हैं और उससे बहुत कुछ सीखते चले आए हैं, तो इस कारण से वो अपने जो भी अपने ग्रुप का लीडर होता है उसकी बातों पे भी रिलायंस करते हैं और स्वेच्छा से, विलिंगनेस के साथ उसको फॉलो करते हैं। इन एडिशन, बिगर चिल्ड्रन हैव एन एडवांटेज ओवर स्मॉलर वंस इन दैट चिल्ड्रन टेंड टू रिस्पेक्ट साइज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर हैबिट्स ऑफ ओबीडियंस टू एडल्ट रिक्वेस्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ओल्डर, जो थोड़े से ओल्डर होते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के हिसाब से, जिनको जो लीडर्स बन जाते हैं, उनको कभी कभी ये एडवांटेज ओवर द स्मॉलर वंस के ऊपर मिल जाता है, क्योंकि जो भी उनका साइज होता है या फिर जो भी उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो थोड़े ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं और थोड़े समझदार होते हैं, सजेस्टिव होते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप की,
उसका उनको काफी एडवांटेज मिलता है, जिस कारण से उनको काफी अदर चिल्ड्रन से रिस्पेक्ट भी मिलता है, क्योंकि चिल्ड्रन उनको रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं ये समझ के कि ये हमसे ओल्डर है, हमसे ज्यादा क्वालिटी है, तो मतलब ये मेरा लीडर है, तो आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट, जैसे कि वो अदर एडल्ट्स को देते हैं, तो वो उन बच्चों को भी जो लीडर्स बनते हैं उनको भी वो रिस्पेक्ट मिलती है, तो ये एडवांटेज उसको मिलता है। अगर हम बात करें तो दे आर टू टाइप्स ऑफ लीडर्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो दो प्रकार के लीडर्स हमें अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलते हैं। पहला है टायरेनिकल बॉसेस, जिनको हम टायरेनिकल बॉसेस बोलते हैं, जो हमेशा शो करते हैं लिटिल कंसिडरेशन फॉर द विशेज ऑफ अदर्स, जो दूसरों के विश, क्योंकि जब भी कोई लीडर बनता है, लीडर्स की सिर्फ ये यही क्वालिटी नहीं सोलली होती है कि वो जब बने तो वो सिर्फ सबके ऊपर एक होता है ना हुकूमत सा दिखाए, या फिर सबको सिर्फ कमांड दे और सबको ऑर्डर्स दे। हाँ ठीक है, वो सजेशंस देता है बेटरमेंट के लिए, बट उसका भी एक तरीका होता है, उसको अपने पूरे ग्रुप को अपने साथ लेके चलना होता है, उसको पहले हर ग्रुप के मेंबर्स के विशेस और उसकी क्या इच्छा है, वो लोग क्या सजेशंस दे रहे हैं, उसको भी कंसिडर करना पड़ता है, और उसके अनुसार उसको कोई भी प्लान बनाना पड़ता है, या कोई भी सजेशंस जो फाइनलाइज सजेशन होता है वो देना पड़ता है। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल क्वालिटी ऑफ द लीडर। अगर आपको एक अच्छा लीडर बन के निकलना है, तो आपके ग्रुप मेंबर्स को अपने साथ एकजुट होके और उनके विशेष और उनके सजेशंस को भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। पर जो टायरेनली बॉसेस होते हैं, टायरेनिकल बॉसेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स का विशेष का कोई भी कंसिडरेशन नहीं करते हैं, उन वो बस जो खुद बोल दिए, जो कर दिए, जो उनके हिसाब से सही है, बस उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर इनकी ये टायरेनी जो है वो अगर इट बिकम्स टू ग्रेट, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी कारण जो वो लीडर्स, ऐसे लीडर्स जो होते हैं, वो अपने जो भी लीडरशिप स्टेट है उसको खो देते हैं, और उनकी जगह दूसरा कोई लीडर जो है वो रिप्लेस हो जाता है। सम लीडर्स इन अर्ली चाइल्डहुड आर डिप्लोमैट्स। अगर हम दूसरे तरीके के लीडर्स की बात करें, जैसा कि हमने बोला था दो तरह के लीडर्स देखे गए हैं, तो अगर दूसरे लीडर्स की बात करें तो वो होते हैं डिप्लोमैट्स, हु लीड अदर्स बाय इनडायरेक्ट एंड आर्टफुल सजेशंस और बाय बार्गेनिंग। जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो दूसरों के भी हिसाब से थोड़ा चलते हैं, जहां उनको लगता है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, जहां उनको लगता है कि इनडायरेक्ट अगर हम किसी की मतलब बातों को रख सकते हैं, सजेशंस को मान सकते हैं, तो वो इस तरह के चीजों को ले के चलते हैं, तो इस तरह के लीडर्स को हम डिप्लोमेट्स बोलते हैं। अगर हम देखते हैं तो गर्ल्स जो होती हैं इस स्टेज में, इस एज में जब गर्ल्स होती हैं, दे फ्रिक्वेंटली एज्यूम द रोल्स ऑफ अ लीडरशिप, तो वो लीडरशिप की ज़्यादा मतलब क्वालिटी एज्यूम करती हैं, और इस रोल को काफ़ी अच्छे तरीके से निभा पाती हैं पूरे ग्रुप में। और वो ग्रुप सिर्फ लड़कियों का ही नहीं होता, इट इज़ अ मिक्स ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, बट लीडरशिप क्वालिटी लड़कियों में ज़्यादा देखी गई है, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रुप को हैंडल और लीड कर पाती हैं। तो इस तरह से हम मतलब इस स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, तो इस तरह से हमने देखा कि अर्ली चाइल्डहुड में किस तरीके के लीडर्स होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, बच्चे किस तरह से ग्रुप को एक अच्छा सजेशन देते हैं, उनके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एक छोटे से सारांश में हमने बहुत सारी बातें लीडर्स इन द अर्ली चाइल्डहुड जानी, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात पसंद आई होगी, जानकारी से कुछ हासिल हुआ होगा। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपका मेरा संपर्क यूं ही बना रहे। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं उसका आंसर आपको निश्चित रूप से दूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी लेके आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।